हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी, जय निवासी। देखिए, मैंने कल जो भी सामान बताया था आप लोगों को, वो सामान अरेंज कीजिए। और जो लोग अभी भी, मैं एक और बात बोलूँगी, आज जुम्मा है, फ्राइडे है, अगले फ्राइडे को होली है, मतलब आज के दिन, मतलब गुरुवार शुक्रवार, मतलब 17 तारीख को होली का दहन होती है। 17 तारीख को होली का दहन के बाद रात को 11 बजे से लेकर दूसरे दिन दोपहर 3 बजे तक, मतलब 17 और 18 तारीख की रात, जुम्मेरात और जुम्मे की रात को आप लोगों को, आपको ये कहते हैं ना, साक्षात शक्तियों के दर्शन करवाए जाएंगे। लोगों का कैसा भी काम है, मैंने बहुत लोगों का काम लिया, वो सारा काम उस दिन पूरा किया जाएगा। उस दिन काम पूरी तरह से पूरा होगा और उसी रात को रिजल्ट आएगा। ऐसा तो कल मैंने जैसे कहा था, मैंने अपने ग्रुप वालों को सिखाया, अभी आज क्या सिखाएंगे वो मैं हर चीज़ डिटेल्स नहीं दूँगी। तो भी अभी जैसे कल हम लोग ने एक शक्तियों को कहते हैं ना, एक संपुट देते हैं, एक संपुट दिया था, मतलब एक शक्तियों को एक अपना एक मंत्र देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, जिस गुप्त मंत्र के हिसाब से चीज़ का कोई काट नहीं कर सकता, है ना। अब आज मैं सिखाऊंगी कि शक्तियों को पहले उनको खुश कैसे किया जाता है, मतलब शक्तियों को काम देने के पहले उन्हें खुश किया जाता है कि फिर वो हर बात हमारी माने। उसे खुश करके एक छोटा सा काम करवाते हैं हम, अगर वो काम हमारा हो गया तो 101% पूरा काम हो गया। ऐसा आज वो सिखाएंगे। और दूसरी बात, अगले शुक्रवार, मतलब आज शुक्रवार से अगले शुक्रवार, बस एक हफ्ता बचा है, अगले हफ्ते होली है, होली के दिन साक्षात्कार दर्शन होगा। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि आज भी कोई अगर लेना चाहता है तो सबसे पावरफुल में करिश्मा परी है, सुल्तान जी ने, हाजी बस्तान जी ने, है ना। और अगर दुश्मनों के लिए लेना है तो जब्बार जी ने, मोहम्मद जल्लाद जी ने और खब्बीस जी ने, ये दुश्मनों का बैंड बजाता है मेरे पास। और ये सारा काम का पूरा पैकेज सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो सुल्तान जी और हाजी मस्तान जी, जो हर तरह का काम करता है। ये लोग हैं बहुत पावरफुल, लेकिन काम हर तरह का करते हैं। सुल्तान जी लेने का फ़ायदा, और ये लेने का फ़ायदा सब ये होता है कि सुल्तान जी तो आपने देखा है, आवाहन करने से बारिश तक वो ले आता है इतना पावरफुल होता है इसके लिए। तो इसके सबसे बड़े फ़ायदे है ना कि ये जैसे सुल्तान जी हुए, हाजी मस्तान जी, ये ऐसे पावरफुल जिन ने ना कि ये आपकी बात सुनते मान एक्टिव होकर आपका काम कर रहे हैं, चाहे कैसा भी काम हो, पैसे का हो या कोई भी हो। तो बस आज का दिन है, आज आप, मैं बोलूँगी ना, आज के दिन मिस बिल्कुल मत करो। अगर किसको चाहिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आज का दिन अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेज के प्रोसीजर करके अपना आज काम शुरू करा लो। आज शुरू कराने के बाद अगले हफ्ते ही आपको इस चीज़ के डायरेक्ट दर्शन होंगे। साक्षात्कार दर्शन होने के बाद आपको बहुत चीज़ फ़ायदे में मिलेगी, प्लस आपको दिव्य दृष्टि, आईनी अमलियत की शक्ति अपने आप ऐसी फ्री मिलने वाली है इसके साथ, सुल्तान जिन के साथ, खास करके सिर्फ सुल्तान जिन के साथ, हाजी बस्तान जिन के साथ मिलेगी। लेकिन वो इतना पावरफुल जिन है कि उसके साथ आईनी अमलियत की ज़रूरत नहीं है, वो काम करता है लेकिन आईनी अमलियत उसमें नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन हाजी मस्तान के साथ अच्छा बुरा सब काम कर सकते हैं, और सुल्तान जिन के साथ भी अच्छा बुरा काम कर सकते हैं, लेकिन एक ये बेटे के रूप में आता है, भाई के रूप में आता है, जो आपका हर तरह का काम करता है। और आईनी अमलियत हमें फ्री में मिलता है। आईनी अमलियत का मतलब कि हम देख सकते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या है ऐसा। प्लस देखिए, कल मैंने अपने दुश्मन की फ़ोटो देखी, आरिफ शेख की, किसी ने इंस्टाग्राम पर डाली थी, मेरे बेटे ने दिखाई। मतलब आप समझ लो ना, मेरे दिल को इतना सुकून मिला है, मतलब एक कहते ना, एक बचकुंडा लड़के जैसा हालत उसका हो गया है। मतलब जो इतने अकड़ में सीना कॉलर करके लोगों को लूटा है ना, वह ऐसे हो गया एकदम। मेरी हाजिदा हमेशा बोल रही थी, माँ उसकी हालत बुरी तरीके से ख़राब है, हमेशा बीमार है, एक बीमारी लग गई है उसके पीछे, एक काली परछाई लग गई है जो रात भर उसको परेशान करती है, उसको मारती है, काटती है। क्योंकि तुमने दुनिया के, तुमने लोगों को इतना सारा गंदा नशा दिया है कि तुम्हारे जो लोग मरे हैं ना, वो तुम्हारे पीछे आज आत्मा बन के घूम रहे हैं। ये बात मैं खुलेआम बोल रही हूँ, और सिर्फ उसके नहीं, और जो तेरे चार दोस्त हैं ना, उनके पीछे भी घूम रहे हैं। और होली तक तो मज़ा रहे, तेरे साथ क्या होने वाला है, जो होगा बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है, ये बात पक्की है, ये कोई गलत और मिथ्या नहीं है। नहीं, कल मुझे देख के इतना सुकून और इतना आराम मिला कि यही बोलूँगी, बेशरम आदमी, अभी से बता रही हूँ कि तू कोर्ट में आके अपना होगा, लेकिन अब तू कोर्ट में आने लायक भी नहीं बचेगा। तेरी तारीख भले अब मैं बताऊँगी नहीं कौन सी तारीख है, लेकिन तेरी तारीख होने के बाद जो तेरे साथ होने वाला है बहुत गंदा और बहुत बड़ा और बहुत भयानक होने वाला है। ऐसा है, उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि अपनी गलती मानो और वो करो। मैं ये सोच रही हूँ, जब तेरा ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। मैं सोच रही हूँ, तेरा ये हाल है तो मैडम माया का क्या हाल होगा। क्योंकि मैंने तो उसे शायद, जब इधर मेरी बेटी गई थी ना भीमनगर में झगड़ा करने, वो सरस्वती को बराबर करने, तभी शायद मैंने वीडियो में माया मैडम को देखा था। मतलब ये दूसरी माया मैडम है, जो माया मैडम ने, माया मैडम को देखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तेरा ये हाल हुआ तो उस पनौती का क्या हाल होगा। मेरे को ये लगता है, क्योंकि क्या है, वो छोड़ के भाग गई ना गौतम नगर, तो उसका क्या हाल होगा। क्योंकि उसको तो बराबर की सज़ा मिलेगी,
चाहे मुझ पर कोई केस करे, चाहे मुझ पर कोई करे, मैं उस औरत को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जड़ वही है, समझ रहे हो, हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि उसको सब कुछ मालूम होते हुए भी, वो मुझे पता है, उसने अपने घर में सबको बता दिया है कि मुझसे गलती हो गई, ये हो गई, लेकिन मेरे सामने नहीं बताया ना। ऐसा जाने दो, उसकी करनी, वो भुगतेगी, भुगत रही है, भुगतेगी क्या, भुगत रही है। जितना पाप उसने किया ना, उसके ऊपर भी उसका पाप, उसको भी एक शक्ति आके रोज़ मारती है, गंदे गंदे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ होता ही है, क्योंकि वो चीज़ के वो हकदार है। ऐसी बात, जाने दो, हमें क्या करना है। एक और बात, दूसरा, अभी ये जो काम हो चालू है ये बहुत बड़ा और बहुत भयानक चालू है। एक मेरे को एक बात लोगों की बुरी लगती है, जो मेरे साथ अच्छे रहते हैं और बाद में काम निकल जाने में बुरे बन जाते हैं, ये लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ऐसा है कि अगर मेरे साथ बने हो तो मेरे साथ ही बन के रहो, नहीं तो मुझे अच्छी तरह बिगाड़ना बनाना ज़रूर आता है। मैं बनाना भी जानती हूँ, बिगाड़ना तो बखूबी जानती हूँ। बनाने में भले मुझे मेहनत लगती थी, बिगाड़ने में एक मिनट नहीं लगता। मैं उन लोगों से सख्त नफरत करती हूँ जो मेरे साथ बन के रहते हैं, मेरे से मीठा बोल के फिर मेरे पीठ पीछे वो करते हैं। मेरे साथ बन के रहना है तो मेरे साथ बन के रहो, नहीं तो जो हालत मैंने इन लोगों का किया है ना, माया मैडम का, सबका, जो जो माया मैडम का साथ दे रहे हो उनका, जिन लोगों ने जो मतलब आरिफ शेख का साथ दे रहे हो उनका, उससे बदतर हालत में उन लोगों का करूँगी जो मेरे साथ धोखा करते हैं। या तो मेरे साथ जुड़ो मत, और अगर मेरे साथ जुड़े तो पूरी तरह से ईमानदार रहो, ये बात पक्की। अब सामने वाले सोचते होंगे, माया मैडम सोचती होगी कि मैंने क्या किया, मेरे से क्यों बदला निकाल रहे, भाई मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं बताना था। ऐसे कैसे तेरी मर्ज़ी, क्यों तेरी मर्ज़ी? अरे कोई आदमी आत्महत्या करने जा रहा था, पत्री की लाइन गिन रहा था, तुझे तरस नहीं आया? कैसा दिल है तेरा, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म आनी चाहिए थी, इतने सालों बाद तू माँ बनी थी, तुझे शर्म नहीं आई कि मेरा पति मरते मरते बचा, मेरा पति मरने जा रहा था? तुझे तो सब कुछ पहले से पता था ना, तुझे 13 दिसंबर, तेरे को तो मुझे याद है, तेरे को 30 नवंबर से सारी बातें पता थी ना। तू झगड़ा कर सकती थी, मुझसे झगड़ा कर देती, मुझे कुछ कर देती, लेकिन नहीं किया ना। और अब तो बड़े बेशरम से, बड़े थाट से तू बेशरमों के जैसा आके तू रह रही है, खा रही है, पी रही है, ऊपर से गांव से उदी लाके, हाँ गांव से उदी लाके, तेरी सास को भी एक पैसे की शर्म नहीं है, मैं गाली तो नहीं दूंगी उनको, लेकिन एक पैसे की शर्म नहीं है, जाती उदी लाती है, उदी लाके ये करती है, आटे में मिला के बोलती खिलाने का बेटों को, शर्म आती है क्या उसको भी? हाँ उसकी मुझे उससे बात नहीं करनी है, छोड़ दो। देखिए मेरी लड़ाई क्यों आती मालूम है, जब 18 मार्च आने लगता है ना तो मेरे अंदर का वो खून खोलने लगता है। 17 मार्च को ही होली है, फाइनली उसी दिन होली जिस दिन हमें बदला लेना है, ऐसा तो उस दिन तो मैं बदला लूँगी, और उस दिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत भयानक होगा, ये बात पक्की है। मेरे को इस बात का कोई डर नहीं, देखो मेरा केशव तो आएगा, लेकिन ये जो सब लोगों ने षड्यंत्र रचा है, कल मैंने अपने वकील को, हम लोगों ने कंप्लेंट की है एक और आरिफ शेख के नाम पे, क्योंकि उसने मेरे केशव के पापा की गाड़ी नहीं दे रहा है, तो हम लोगों ने कंप्लेंट की है, क्योंकि उस गाड़ी के चक्कर में उसने बीच में एक बार रोड पे मारामारी भी की थी, किसी के कहने पे रोड पे उस पर 326 का केस बना है ना, वो सब हुआ है। उसके बाद मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग बची है, जिसमें रिकॉर्डिंग में उसने साफ साफ कहा, मैंने यूट्यूब पर डाला था आपको, कि साफ साफ कहा कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो सबसे पहले इसका गेम बजाऊंगा। अरे भिखारी, तू किसी के नाम पे गाड़ी खरीदता है, उसकी गाड़ी यूज़ करता है, उसका हफ्ता भी नहीं भरता और गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी देने को भी तैयार नहीं है, तो हमने तेरे नाम पे ऑलरेडी एक कंप्लेंट करी है, और वो कंप्लेंट का रिजल्ट अभी, और वो कंप्लेंट नहीं पूरा केस बनाया है बड़ा, मैं खुलेआम बोल रही हूँ। क्यों केस बनाया? क्योंकि तू गाड़ी देने को तैयार नहीं है, और तू सोच रहा है कि मैं बहुत तोप हूँ, तो तेरी तोप तेरे अंदर निकलेगी। देख मेरे को, तू ऐसा मत सोच, मैं चाहूँ ना तो गाड़ी का हफ्ता यूँ भर सकती हूँ, लेकिन गाड़ी का हफ्ता जब मुझे भरने की नौबत आएगी ना, तो तुझे रोड पे काट के फेंकूँगी मैं, ये बात पक्की है। तुम लोग की जो चोरी करने की जो सारी चूतिया गिरी निकालूंगी, समझ रहा है? तेरे तूने तू क्या बोलता था, अरे दी मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, भोसड़ी के तेरा लौड़ा हिला के दिखाऊंगी मादर चोत। क्या एक बार मेरे को यूट्यूब, एक बार आप लोगों को पता नहीं होगा, एक बार मुझे इसे व्हाट्सएप पे ऐसे उंगली करके फोटो भेजा था, ऐसा क्यों अभी ये उंगली अपनी माँ की गांड में घुसाएगा? अरे इतनी गाली देते तो भी तू नहीं आता है कि माया मैडम के गांड में घुसाएगा तू तो माया मैडम का। मुझे कभी कभी क्या लगता है कि मेरे प्रभु को कभी बुरा नहीं लगता था, हाँ तुझे इतना क्या बुरा लगता था कि तुझे उसकी औरत तक बात पहुँचाने के लिए बड़ी मिर्ची लगी रहती थी? मतलब मेरे प्रभु को कोई मतलब नहीं था, वो उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुझे बड़ा जलन होता था कि तू मुझे दीदी बोलता था। चल मैं तो तेरी दी थी, वो क्या थी तेरी कि तू उसकी कान में उंगली घुसाने घूम जाता था, जब देखो उसको मैसेज करके सारी बात बताता था? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और फिर बोलेगा झूठ, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं।
अरे दोगले की औलाद, तू सबसे बड़ा झूठा है। तूने तो क्या क्या किया तुझे पता नहीं है। तूने जो मुझे दी बोल के, मैंने तुझे माँ जैसा प्यार दिया था, अपने हाथ से खाना बना के खिलाया था। तूने उस खाने का लखा, मुझे मालूम है तू ये वीडियो देखता तो तेरे आँख से आंसू निकलते हैं। मैंने तुझे अपने बेटे जैसा पाला था, मेरे घर में आता था, याद है तुझे? तू हमेशा क्या कहता था कि तुम तो अपने प्यार के लिए हमेशा मराठी थाली बना के देते हो, मेरे लिए कभी कुछ बनाया क्या? तेरे लिए मैंने, मेरे घर में कभी मटन नहीं आता था, तेरे लिए मैंने मटन, हैदराबादी मटन बिरयानी बनाना सीखा था, तुझे बना के खिलाया था। तूने चूतिया ने क्या किया था, पूरे गांव को बुलाया था, तेरे सारे दोस्तों को बुला के खाना खिला रहा था। और मेरे प्रभु के साथ क्या किया था, उसको ज़मीन पर नीचे बिठा के खाना खिलाया था। बता, तेरी औकात ही है? हाँ, एक आदमी तुझे अपना दोस्त मानता है, यार मानता है, अपना सब कुछ मानता है, तू चड्डी का दोस्त होकर उसके साथ उसको ज़मीन पर बैठा के खाना खिला रहा था। हाँ, और तू उसकी, मतलब तुझे बड़ा इंटरेस्ट था उसकी औरत तक बात पहुँचाने में कि तेरा पति ये कर रहा है वो कर रहा है। अगर तू अगर सच में दोस्त और भाई होता ना, तो तू उस पहले दिन उसको मना करता, जिस दिन मैंने तुझे सबसे पहले पूछा था कि मैं केशव के पापा को प्रपोज करने जा रही हूँ, करूँ क्या, तू उस दिन मना करता ना, तब तू उस दिन बोलता ना, नहीं दीदी ऐसा नहीं ऐसा है, तब मैं तुझे मानती कि तू दोस्त है यार है। तूने तो सब कुछ बिगाड़ के फिर बोलता बना रहे। और सबसे बड़ी दोषी माया मैडम है, क्यों? क्योंकि उसको सब कुछ मालूम होते भी उस औरत ने कभी एक्शन नहीं लिया। अरे मैं बोलती हूँ वो तो प्यार ही नहीं करती थी, अगर वो प्यार करती रहती, क्योंकि देखो मैं ऐसे ही बोलूँ, आज मैं जीती जागती रह के भी मेरे केशव मेरे पेट में, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती माया मैडम को। मुझे 1% पसंद नहीं कि मेरे केशव के पापा उस घर में जाके उधर रहते, उसके हाथ का खाना खाते रहते, मुझे नहीं पसंद है। क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो भी मैं रखती हूँ, मैं छुड़ाना भी नहीं चाहती। लेकिन मुझे ये बुरा लगता है कि मैं तो बहुत बाद में आई, तुम तो बहुत पहले आई थी, फिर भी तुमने कैसे बर्दाश्त किया, क्यों मुझसे आके झगड़ा नहीं किया? देखो हमेशा तुम बोलोगी बार 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 वही रिपीट बात करते हो, रिपीट बात नहीं, अभी फिल्म का टेलीकास्ट होने वाला है, आखिरी मोमेंट आया 18 मार्च, वही दिन आया, फिर वो पुरानी बात याद आई, फिर मेरा, देखो जब जब 17-18 मार्च आएगा ना, तब तब मैं तुम लोगों से बदला लूँगी, क्योंकि उस दिन तुम लोगों ने मेरे प्यार से मुझे अलग किया था। एक नागिन होती ना नागिन, वो अपने नाक का बदला कभी भूलती नहीं लिए बगैर। मुझे उस दिन का याद है कि 17 मार्च को माया मैडम को मेरे केशव का पप्पा ने रो रो के फ़ोन किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया, लेकिन माया मैडम मुंह में दही जमा के अपने घर पे बैठी थी। और आरिफ शेख जैसे आदमी ने मेरे प्रभु को बुरी तरीके से गाली गलौज करके भगाया था। इसकी सज़ा तो एक ही है, तुम दोनों मर जाओ यार, मैं सच बोल रही, तुम दोनों मर जाओ, दिल से बोल रही, या तुम लोग मर जाओ या तो विद्या देवी तुमको मार डालेगी। मैं ऐसे तो नहीं मारूंगी, माया मैडम को तो नहीं मारूंगी, उसको तो तिल तिल के सज़ा मिलेगी, उसको तो तिल तिल के सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी ना जो ज़िंदगी भर तिल तिल के सड़ सड़ के मरेगी, ये बात पक्की है। जो धोखा उसने दिया है ना, उस धोखे की सज़ा बहुत गंदी और बहुत बड़ी मिलेगी, ज़िंदगी भर मौत मांगेगी, मौत नहीं मिलेगी, सड़ सड़ के पूरी योनि से शरीर से गंदी बदबू आएगी, ज़िंदगी भर बीमार पड़ी रहेगी, कितनी भी दवा लेगी दवा काम नहीं आएगी, बस इसी बात की सज़ा मिलेगी। और ये मैं डरती नहीं हूँ कि ये वीडियो जाके पुलिस स्टेशन दिखाए, मैं तो चाहती हूँ जाके दिखाए, तब मैं अपना हाथ का फ़ोटो सब दिखाऊँ। ये दिखता है आपको मेरा हाथ, देखो कितना खड्डा हो गया, दिख रहा है आपको? ये लोगों ने किया है मेरे साथ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मेरा हाथ सड़ गया, ये लोगों ने मेरे साथ किया है। मैं माया मैडम से इसलिए चिढ़ती हूँ कि इस औरत को, इस बेशरम औरत को सब कुछ पता था, और ये सीधी बन रही थी अपने पति और परिवार वालों के सामने कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं एक ही बात बोलूँगी, रख अपने सर, अपने बेटे के सर पे हाथ, और खा कसम अगर सच में माँ होगी तो, क्योंकि एक माँ सब कुछ करेगी, अपने बच्चे की कसम कभी झूठी नहीं खाएगी। रख कसम, रख सर पे हाथ, और नहीं तो अपने बेटे को रख ज़मीन पे मंदिर के सामने, कुलदेवी है ना तेरी एड़ेश्वरी, रख एड़ेश्वरी मंदिर के सामने, और लांग अपने बच्चे को, और बोल कि मैं अपने बच्चे को लांग के बोलती हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में आरिफ शेख से बात नहीं की, और आरिफ शेख ने मुझे कोई बात नहीं बताई थी कि मेरे को ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, कभी नहीं बताया था। मैं मान जाऊँगी तुझे, क्योंकि देख अगर तूने झूठी कसम खाई, उसी जगह एड़ेश्वरी माँ तेरा बच्चा अपने पास ले लेगी, और सच्ची कसम खाई तो तू सच्ची हो जाएगी, फिर तेरा जूता मेरा सर पूरी गोराई में मुझे नंगा करके मारना, मैं डरूंगी नहीं, ना तेरे पीछे आऊँगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ तू किसका, किस गंदे नाली की कीड़ी है। तेरा साथ देने वाले ना, तेरा साथ देने वाले जिस जिसने तेरा साथ दिया ना, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन माँ मैं गाली भी नहीं दूँगी, मैं माता रानी कशन, मैं एड़ेश्वरी माँ करके, ए एड़ेश्वरी माँ, तुलजा भवानी माँ, तूने मेरे केशों को, मुझे, तूने कुल देवी हो के मेरे बच्चे को तूने दर्शन दिया, तूने साबित कर दिया कि ये बच्चा मेरे प्रभु का बच्चा है। बस तूने अपने गाँव की सरहद तक बुला के साबित कर दिया कि ये बच्चा आखिरकार कुल का बच्चा है। क्योंकि देखिए ना, दूसरे लोग तो गांव तक जाके आ गए, लेकिन ना कुलदेवी का पैर पड़ पाए,
ना गांव की सरहद तक जा पाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि माँ तूने अपने दरवाजे तक बुला के दर्शन नहीं दिए, मती फेर दिया। तो हे एड़ेश्वरी माँ, हे तुलजा भवानी माँ, मैंने वादा किया है इस माघी पूर्णिमा को, 17 मार्च को पूर्णिमा है, उस दिन मैं 9 औरतों को, सुहागनों को खाना खिलाऊंगी। इस औरत को और इसके इस औरत को जिसने मेरे केशव के पापा के साथ इतना गलत किया, इस औरत को और इसके साथी देने वाले, चाहे इसका साथ जिसने भी दिया हो, उसको, आरिफ शेख को, सबको ऐसी सज़ा देना ना माँ कि ज़िंदगी भर ये लोग सड़ सड़ के मरे। इनको मौत नहीं मिले, लेकिन मौत ऐसी मिले कि ज़िंदगी भर बीमारी से, कोढ़ से, किससे ना कहते ना, गंदगी से, इनके शरीर से गंदी बदबू आए, मतलब ऐसी गंदगी बीमारी से मरे कि इनके पास बैठ के कोई खाना खाने वाला नहीं, खाना नहीं खाए बस, ये बाकी और कुछ गलत नहीं बोलूँगी। ये सज़ा इनको मिलनी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने लोगों को दुख दिया है, जिस तरह से इसने तेरी बेटी विद्या देवी को दुख दिया है, उस तरह से इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दिल से हाय इसलिए निकलती है ना, क्योंकि मेरे बच्चे अनाथ होते होते बचे, मेरा प्रभु मरते मरते बचा है, मैं मर जाती मेरे 3 बच्चे अनाथ होते, कोई आता क्या, बोलो, मैं मर जाती, मेरा प्रभु मर जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता, मैं मर जाती, ये क्या है, इस बात की सज़ा तो मैं लूँगी बस। मैं तो पता आज से क्या कर रही हूँ, मैं डेली अपने प्रभु के लिए, अपने बच्चों के लिए डेली जाती हूँ, कबूतर को दाना डालती हूँ कि उस पर कोई आला वाला मुसीबत नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है, अगर सच में भगवान है, सच में मेरा सुल्तान जीन है, एड़ेश्वरी माँ है, तुलजा भवानी माँ है, अगर मैं सच्चे दिल से वहाँ पायरी पैर पड़ के आई हूँ, तो हे माता रानी, जिस जिसने इन लोगों का गलत साथ दिया है, गलत में साथ दिया, उन सबको इस होली तक तो कुछ तो ऐसा मुझे दिखाना जो अनदेखा हो, देखने लायक ना हो, बस मैं तो ये चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती मैं। और मेरे केशों को ला देना बस, और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को ला के इन लोगों के मुँह पे कालिक पोतो और इन लोगों को ये सज़ा दो, क्योंकि अगर आज इन लोगों को सज़ा मिलेगी ना, तो कभी ऐसे कभी किसी प्रदीप धावारे या विद्या देवी को या उसके घर को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। और कभी इस तरह, और घर के लोगों को सज़ा देने से अगर ऐसी माया मैडम को सज़ा मिली ना, तो ज़िंदगी में आगे कभी भी कोई औरत कभी अपने पति या परिवार वालों को धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगी। क्योंकि कहावत है ना, रावण का अंत किस लिए हुआ था मैंने, क्योंकि विभीषण गद्दार निकला था, याद है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो इधर भी वही खेल है। तो इन खेल का अंत होना है 17-18 मार्च को, और होगा होगा होगा। ये विद्या देवी अपनी माँ बगलामुखी, मेरी बा बॉडी वाले शख्स के नाम से बोल रही हूँ, इस बार इन पापियों का अंत बहुत बुरी तरीके से होगा होगा होगा। जय माता दी।